What's up guys, kem chho mazama to aaj mere papa mere hero mere jigar jaan ka birthday hai to is bar humne socha tha ki to mere papa out of india muscat mein kaam karte hai uske har birthday pe wo hamare sath nahi hote hai to is bar humne socha tha ki is bar wo aayenge to hum destination birthday celebrate karenge lekin lockdown ke jaise ki hamare plan ki aisi taisi ho chuki hai to koi baat nahi hota hai kabhi kabhi aisa to is bar humne फिर से सोचा कि हैंडमेड स्पेशल हैंडमेड केक बना के पापा को सरप्राइज किया जाए तो कुछ सोचा है लेकिन करना तो पड़ता है सोच सोच के सोचना भी एक कलाकारी होती है तो सोचते रहना चाहिए तो ये सारी चीज़ें हमें सेफ ने लाने के लिए कहा है तो इसके लिए हमें शॉपिंग करने जाना पड़ेगा तो चलिए शॉपिंग करने चलते हैं लेट्स गो तो यहाँ वहाँ वहाँ तहाँ भटकते भटकते हमने सारी शॉपिंग कर डाली है और जिसमें जो भी आइटम थी वो सब हमने शॉपिंग कर डाली है तो केक बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले हमें ये सारी बिस्किटों को पीसना होगा ग्राइंडर में पीसना चालू करते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट हेलमेट पहन लेते हैं क्योंकि सेफ्टी पहले चाहिए चाहे जो भी हो जाए सेफ्टी फर्स्ट तो ये हमने सारी बिस्किट भर दी है इसमें मशीन से दो कदम की दूरी बनाए रखे और अपना मंत्रा संभाल के रखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं ये सारा भूखा भूखा हो चुका है तो इसके साथ ही हम ओरियो बिस्किट डाल देते हैं तो इतनी महंगी चॉकलेट भी केक में डालनी पड़ सकती है गौर फरमाइए अरे भाई हमने पहला कांड कर दिया आते ही वक्त ही चमची तोड़ दी हमने
तो अब हम इसमें तेल डाल के इसको क्रिस्प करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें केक चिपक ना जाए। अगर हमने इसमें तेल नहीं डाला तो केक इसमें चिपक जाएगी तो शेप बराबर नहीं आएगा, तो इसमें तेल डालना ताकि केक भर ना जाए, इसलिए इसमें मैदा डालना ज़रूरी होता है। मैदा को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं हमें पता नहीं, तो आप गूगल कर लीजिए। हमने कोटिंग कर ली है। क्या कोटिंग कर ली? तो अब इसको हल्का हल्का हम ऐसे ऐसे पूरी चारों ओर, तो हल्का हल्का इसे पूरे चारों ओर तो हमने गड़बड़ कर दी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। तो आप सब लोग देख सकते हैं ऐसी तरह से कोटिंग करनी है, हमने तो क्या पलटा कर दिया था, बहुत ही अच्छी कोटिंग की है। तो अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे जिससे केक फूलता है, और इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो अब हम इसको मिक्स करना पड़ेगा। अब इस पेस्ट को इसमें डालना है अभी, तो जैसा कि आप सब लोग ने देख लिया है हमने इस कुकर का भी काम कर दिया है। आज हम बनाने तो केक चले थे लेकिन बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी है। पहले तो हमने एक चमची तोड़ दी प्लास्टिक की, और ये कुकर का हैंडल तोड़ दिया, तो देख सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। तो एक लाइक तो बनता है इस टूटे हुए हैंडल के लिए, लाइक कीजिए। तो हमारे पास ये ओवन भी है, तो ओवन ने ठान लिया कि इस बार वो नहीं चलेगा। तो हमने बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं मानी कि अब मैं नहीं चलूँगा, तो हमने भी ठान ली कि उसके बिना ही करेंगे। तो हमने इस कुकर का ट्राई किया और हमने ये हैंडल तोड़ दिया है, तो क्या कर सकते हैं अब। तो केक को बेक करने के लिए इसमें हमने थोड़ा नमक डाला है ताकि केक बहुत ही केक का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट आए, इसलिए हमने इसमें नमक डाला है। केक को बेक करने के लिए रख दिया है, तो इसको 45 मिनट तक रखना पड़ेगा, उसके बाद ये बन के रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, केक रेडी हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। तो दोस्तों, जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, काफी सालों से हमें इंतजार था इस घड़ी का, तो आ चुकी है। यहाँ पे हमारी मम्मी जान अपने पापा जान से बात कर रही है। देना जान केक में सड़प कर रही है, माफ कीजिएगा, वो पुरानी वाली जलकर राख हो गई थी, इसलिए हमें नई केक बना दी है। अत्यानो पापा स्पेशल एक कलाक तमे हमने अपना छो इना सिवाय बीजा कोई ने नहीं अपना शू केवो छो, तमारे जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है, जनता को जवाब दीजिए। यहाँ पे हमारे पापा कैमरे के सामने आने में समझ चुके हैं। पापा Happy birthday dear papa, happy birthday to you। पापा यहाँ पे शर्माते हुए, यहाँ पे मम्मी केक काटते हुए, जोर से हल्काइए, फिर से हल्काइए मम्मी, फूक मारिए, बीजी फूक मारिए, फिर से हल्काइए, फूक मारिए, हल्की फूक मार। Cheers! खाया करिए वाली फिंसी बिचारी, इना पापा इना पासला जन्मो ना करम। हैप्पी बर्थडे।
Miss you so much. Hey, mi-a pupat 15 rupii, bădini.